अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान खान और आप देख रहे हैं शौरत। आपको बता चले कि मुल्तान का जलसा इस वक्त जारी है। जलसे के हवाले से आपको बताते चले कि वहां फजलुर रहमान इसमें खिताब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत अब जाने वाली है, इस हुकूमत के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और इस हुकूमत ने गंद डाला हुआ है, हमने एक जायज़ हुकूमत कायम करनी है। इनके खिताब से पहले मरीम नवाज़ ने खिताब किया और उन्होंने धुआंधार अपने खिताब में हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उनका यह कहना था कि यह हुकूमत अवामी मैंडेट को चुरा कर आई है और अब ये अवामी जो रैला है ये इस हुकूमत को बहा के ले जाएगा। आज चूंकि योम तासीस है इसलिए आसिफ भुट्टो ने खसूसी शिरकत की है। इस हवाले से गिलानी हाउस में केक भी काटा गया। आसिफ भुट्टो खिताब करेंगे योम तासीस पीपल्स पार्टी के हवाले से। मुल्तान में ये जो पावर शो है इसको बहुत अहमियत हासिल हो चुकी है और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियाँ हैं। इन गलत पॉलिसियों की वजह से आज PDM एक बार फिर बहुत बड़ी तहरीक बन चुकी है और इस तहरीक की कामयाबी जो है इसका सेहरा भी PTI के सर ही जाएगा। अब देखना यह है कि अवामी रैला जो है लाहौर में क्या जो है नतीजे बाहर निकालता है।